हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 18 नंबर वीडियो है एंड इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम एडमिन के लिए डैशबोर्ड सेटअप करते हैं एंड डैशबोर्ड से लॉगआउट कराते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो पर फ्रेंड हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एडमिन की जो डैशबोर्ड है वो हम कस्टम मिडलवेयर के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलेंगे अपने कोड पे एंड यहाँ पर फ्रेंड अगर हम web.php फाइल के अंदर जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डैशबोर्ड की जो राउट है, इस राउट के अंदर हमने यहाँ पर कोई मिडलवेयर असाइन नहीं किया है। ठीक है, पर हमें यहाँ पर जो मिडलवेयर है वो हमें यहाँ पर असाइन करना चाहिए, जैसे हमने टीचर के लिए किया था। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मिडलवेयर टीचर हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर एडमिन के लिए भी हमें एक मिडलवेयर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए जाएंगे हम अपने CMD के अंदर एंड यहाँ पर हम एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो आइए करते हैं PHP artisan make मिडलवेयर। अब हमें यहाँ पर एडमिन मिडलवेयर देना होगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ एडमिन करेंगे या फिर बेटर है कि हम यहाँ पर एडमिन मिडलवेयर लिखें। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो नाम हम दे रहे हैं ये मिडलवेयर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका नाम एडमिन मिडलवेयर दे रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, जो हमारा मिडलवेयर है एडमिन मिडलवेयर वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर मिडलवेयर पे जाएंगे, मतलब अगर हम ऐप देन मिडलवेयर के अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडमिन मिडलवेयर है वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगाना होगा। तो अगर हम टीचर की जो मिडलवेयर है इसके अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा है। तो इस वाले कोड को हम पहले तो कॉपी कर लेते हैं, देन इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड जो ऑथ है इसको हमें पहले तो इंपोर्ट करना होगा। इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसर्ड ऑथ, ये वाला नेम स्पेस आपको इम्पोर्ट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम इफ कंडीशन के अंदर, मतलब नॉट ऑथ गार्ड टीचर, टीचर की जगह पे हम एडमिन के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर गार्ड नेम एडमिन होगा। मतलब हम चेक कर रहे हैं जो एडमिन है वो लॉग्ड इन है या नहीं। ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर एडमिन यहाँ पे लॉग्ड इन नहीं है तो हम सिंपली उस एडमिन को क्या करेंगे, उनकी जो एडमिन लॉगिन स्क्रीन है उसके अंदर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, यहाँ पर टीचर लॉगिन नहीं, एडमिन लॉगिन स्क्रीन पे हम, या फिर एडमिन लॉगिन राउट पे हम उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ जो मैसेज है वो हम जो पास करेंगे वो है प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि विदाउट लॉगिन हम डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते या फिर कोई भी और राउट हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला जो मिडलवेयर वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हमें इस मिडलवेयर को असाइन करना होगा राउट के अंदर। तो उसके लिए हम चले जाएंगे अपनी web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड की राउट की बिल्कुल आखिर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे मिडलवेयर एंड मिडलवेयर का जो नाम है वो हम यहाँ पर असाइन करेंगे, जो कि है एडमिन मिडलवेयर :: क्लास। ठीक है, मिडलवेयर :: क्लास हमने मिडलवेयर डैशबोर्ड राउट के अंदर असाइन कर दिया है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एडमिन डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ कहाँ पर, एडमिन लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी इस मिडलवेयर के थ्रू हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम अपने डैशबोर्ड राउट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो हमें सबसे पहले लॉग इन करना होगा admin@gmail.com एंड पासवर्ड जो है वो है पासवर्ड। लॉग इन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर लॉग्ड इन हूँ एंड अगर हम चाहें तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। एंड जैसे हम लॉग आउट कर रहे हैं तो हम एडमिन लॉगिन स्क्रीन पे हम लॉग आउट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एडमिन लॉगिन का जो स्क्रीन है वो हम अपने होम राउट पे, मतलब अगर हम इसको हटा देंगे, इस होम राउट पे हम एडमिन लॉगिन का जो लिंक है वो हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि एडमिन लॉगिन का जो राउट होता है या फिर जो लिंक होता है वो हमेशा हाइड होता है, वो नॉर्मली यूज़र को बताया नहीं जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो इसलिए भी हम यहाँ पर इसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई लिंक मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एडमिन लॉगिन, तो हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए इसको बना ही देते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है website.blade.php फाइल, एंड यहाँ पर हम एक को कॉपी करेंगे एंड देन नीचे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे एडमिन एंड देन लॉगिन, एंड यहाँ पे जो राउट होगा वो होगा एडमिन लॉगिन। ठीक है, हमने कर दिया। अब अगर हम जाएंगे इसको रिलोड करेंगे, फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन का जो लिंक है वो आ चुका है। नॉर्मली ये जो लिंक है वो नॉर्मली होता नहीं है वेबसाइट के अंदर, पर फिर भी मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया है आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एडमिन लॉगिन का जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।